बात करने वाले हैं बॉलीवुड स्टार सनी देओल के साल 2001 में आई फिल्म गदर के असली क्लाइमैक्स सीन के बारे में। साल 2001 में आई फिल्म गदर बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नजर आई थी और इस फिल्म के सभी गाने काफी सुपर डुपर हिट रहे थे। साथ ही फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन हाल में सनी देओल ने अपनी फिल्म ब्लैंक के प्रमोशन के दौरान इसके क्लाइमैक्स सीन के बारे में जानकारी दी, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन पहले कुछ और रखा गया था, जहां फिल्म के लास्ट में अमीषा पटेल को गोली लगती है और वो मरी हुई दिखाई देती है, लेकिन बाद में उनके बेटे के गाने गाने की वजह से उठ जाती है। सनी देओल ने बताया था कि इस फिल्म के असली क्लाइमैक्स में वो मर जाती है। लेकिन सनी देओल ने बताया कि फिल्म को हैप्पी एंडिंग में दिखाने के लिए उन्हें जीवित रखा गया था। हालांकि ओरिजिनल क्लाइमैक्स सीन में उनकी डेथ दिखाई गई थी, लेकिन बाद में ऐन मौके पर इसको बदल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिल्म का पुराना क्लाइमैक्स सीन दिखाया जाता तो फिल्म के फ्लॉप होने का डर भी सबसे ज्यादा सामने आया था। इस बातचीत के दौरान सनी देओल ने बताया था कि इस फिल्म के मेकर चाहते थे कि वो इस फिल्म की शूटिंग 2 साल में पूरी कर दे, लेकिन उन्हें परफेक्ट डेट नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को लगभग 3 साल में पूरा किया था। अगर सनी देओल की फिल्म गदर में ओरिजिनल क्लाइमैक्स होता तो फिल्म कितनी बड़ी हिट हो सकती थी या फ्लॉप हो सकती थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।